दोस्तों, यह तो शायद आपको पता ही होगा कि भारत सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बैन करने जा रही है। ऐसे सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो कि दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते और उनको फेंकना ही पड़ता है, उन सभी आइटम्स पर 1 जुलाई से बैन लगने जा रहा है। इन प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक स्पून, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक ग्लासेस और प्लास्टिक स्ट्रॉज शामिल हैं। इसको अब हम विस्तार से बताते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अमूल और पार्ले कंपनीज के नेतृत्व में कई बीवरेजेस कंपनियों ने अपनी बिक्री के घटने के डर से भारत सरकार से ये आग्रह किया है कि वो प्लास्टिक स्ट्रॉस पर 1 जुलाई से लगने वाले बैन को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन यानी स्थगित कर दे। अमूल, जो कि भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, उसको एक दिन में अपने 10 प्रोडक्ट्स के लिए 12 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉस चाहिए होती हैं। तो अमूल ने तो सरकार से यह तक कह दिया है कि वो अपने पेपर स्ट्रॉस की खुद की फैक्ट्री भी लगा लेगी, लेकिन उसको इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अमूल ने सरकार से कहा है कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में पेपर स्ट्रॉस बनाने की कोई कंपनी अभी मौजूद नहीं है। साथ ही अगर अमूल इन पेपर स्ट्रॉस को इम्पोर्ट करता है तो विदेशी सप्लायर 8 गुना ज़्यादा कीमत की मांग कर रहे हैं। अमूल ने इसीलिए सरकार से कहा है कि वो इन पेपर स्ट्रॉस की फैक्ट्री खुद लगा लेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आएगी, लेकिन उसे इसके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय चाहिए। हालांकि पार्ले एग्रो ने कहा है कि उसने सरकार के डेडलाइन के हिसाब से पेपर स्ट्रॉ को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इम्पोर्ट करना एक उचित समाधान नहीं है। पार्ले का ये भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉ को इम्पोर्ट करने से कीमत में 278% का उछाल आ रहा है, जो कि पार्ले के 10 रुपये के फ्रूटी पैक के लिए एक बड़ी समस्या है। एक बार भारत में पेपर स्ट्रॉ का प्लांट लग जाने से उनको फायदा होगा, हालांकि तब भी यह प्लास्टिक स्ट्रॉस के मुकाबले लगभग 2 गुना कीमत का होगा, लेकिन कंपनी इस कीमत को सहन कर लेगी। दोस्तों, अगर यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।